नमस्कार, वैश्य व्यापार न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के चार दोषियों में से एक मुकेश कुमार के पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जारी डेथ वारंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान एएसजी और दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देना मुश्किल होगा, क्योंकि दोषी मुकेश की दया याचिका पर राष्ट्रपति के फैसले के बाद उसे 14 दिन का और वक्त दिया जाएगा। चारों दोषियों विनय शर्मा, मुकेश कुमार, अक्षय कुमार सिंह और पवन गुप्ता को 22 जनवरी को तिहाड़ जेल में सुबह 7 बजे फांसी दिए जाने की घोषणा की गई थी। फैसला है तो अभी हम फैसले का इंतजार करते हैं, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट में बात रखी गई है सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं है सस्पेंस है कि हो क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट में उस अर्जी पे सुनवाई हो रही थी कि मुकेश की अर्जी है कि फांसी पे स्टे लगाओ, और जिस तरह से वहाँ बात रखी गई वकील सरकारी वकील की तरफ से, तो कहीं ना कहीं हमें अब लग रहा है कि नहीं, उनकी फांसी उनके साथ हमारा कानून व्यवस्था हमारी सरकार खड़ी है। फांसी पे रोक तो नहीं लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे इधर से घुमाइए उधर से घुमाइए, जो मुजरिम कह रहा है वही सरकार सुन रही है, वही कोर्ट सुन रहा है, हमें कानून का हवाला दिया जा रहा है। मैं पूछती हूँ कि जिस तरह 7 साल पहले बच्ची के जिंदगी के साथ इन दरिंदों ने खिलवाड़ किया, उसी तरह आज हमारे को इस कोर्ट, उस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पटियाला कोर्ट घुमा रहे हैं। हमारी तकलीफ सरकार को भी नहीं देखती, खासकर कोर्ट के सामने कोर्ट को नहीं देखती। कल की बात मैं कह रही हूँ, मुजरिमों को इतनी छूट है कि उनका वकील का भी दबदबा कोर्ट में चलता है, वो पूरी कोशिश रहती है कि मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझे तो बोलने का भी हक नहीं है। हमारे वकीलों को वो घुसने तक नहीं देते हैं। ये तो मान कोर्ट की अगर जज साहब नहीं कहते तो उनका यही रहता है कि ये हम बोल ना पाए, हमारे वकील बोल ना पाए। तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्राइम उसने किया है, सजा मैं भुगत रही हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।